हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं नेहा द माया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में गाइस मैं आपको पतंजलि के कोकोनट ऑयल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि किस टाइप का ऑयल है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो गाइस, पतंजलि के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये अपने आप में बहुत एक अच्छा ब्रांड है। इसके मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं और ये इंडिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा, इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि ये एकदम हर्बल होता है और बिल्कुल आयुर्वेदिक होता है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में केमिकल होता है जो आपको हार्म नहीं पहुंचाता, आपकी स्किन को हार्म नहीं पहुंचाता। सो गाइस, चलिए अपन सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। तो ये वाइट कलर की एक मजबूत प्लास्टिक की बोतल आपको दिखाई दे रही है। इसमें से ऑयल बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता है और इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 200 ml और इसका जो प्राइस है वो है 75 rupees। ये एकदम अफोर्डेबल है, आप इसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। तो गाइस, इसको मैंने अपने पास की मेडिकल शॉप से इसको परचेज किया। ये मार्केट में बहुत सब जगह ये अवेलेबल होता है, मार्केट में कहीं से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो गाइस, अब आप पूछेंगे कि ये ऑयल किस काम आता है। तो गाइस, आप इसको अपने बालों में भी लगा सकते हैं क्योंकि, और हेयर फॉल को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा ऑयल है और ये डैंड्रफ को भी हटाने का काम करता है ये ऑयल। अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल लगा करके आपका हेयर फॉल कम किया जा सकता है और इससे आप अपने बॉडी की मसाज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने बॉडी की मसाज इसी कोकोनट ऑयल से करती हूँ, मेरे हस्बैंड इस कोकोनट ऑयल से ही अपने बॉडी की मसाज करते हैं, उनको भी ये कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है सर्दियों के टाइम में। वो सर्दियों के टाइम में इसी ऑयल को यूज करते हैं क्योंकि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और ये बच्चों के लिए भी कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए भी और आपके बॉडी के लिए भी, और ये बालों को काफ़ी ज़्यादा सिल्की स्मूथ बनाता है और थिक एंड लॉन्ग बनाने का काम करता है। इससे आप अपनी बॉडी की डेली मसाज करते हैं तो आपका जो जोड़ों का दर्द वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी हद तक दूर होते हैं और इसकी मसाज करने से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनी रहती है। तो ये, और डॉक्टर्स भी इस नारियल ऑयल को रेकमेंड करते हैं, वो भी सजेस्ट करते हैं। तो मैं भी आपको यही ऑयल सजेस्ट करूँगी आपके बॉडी की मसाज के लिए और आपके बालों के लिए सर्दियों के टाइम में। तो गाइस, आप इस ऑयल को एक बार यूज करके देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसमें सारी चीज़ें नेचुरल मिलाई गई हैं, सारी आयुर्वेदिक चीज़ें मिलाई गई हैं जो आपकी हेल्थ पर कोई भी ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। इसके ज़्यादातर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं भी इसको खुद यूज करती हूँ तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, इचिंग होने लग जाती है या हेयर फॉल का प्रॉब्लम इसको लगाने से चालू हो जाता है तो आप डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।